रात के ठीक 1:15 हो रहे थे। ट्रेन धीरे से अपनी रफ्तार कम करते हुए टेहरी स्टेशन पर आ रुकी। मुकेश अपने हाथ में बैग लिए ट्रेन से स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। उसका प्रकाश भी इतना गहरा नहीं था कि ज्यादा दूर तक दिख सके। आसपास की बाकी सारी जगह अंधेरे के साम्राज्य में डूबा हुआ था। उसे पहले से पता था कि यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ था, किंतु इतना पिछड़ा हुआ होगा यह उसने कल्पना भी नहीं किया था। स्टेशन का भी वही हाला था। टूटा फूटा फर्श बैठने के लिए, एक दो बेंच और बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ कोने में एक टिकट घर। बहरहाल अब मुकेश कर भी क्या सकता था, इन सबको बदलना तो उसके हाथ में था नहीं। इसलिए उसने मन में सोचा, क्या ही कर सकते हैं, अब जैसा है वैसा है। उसने अपना हाथ में टॉर्च पकड़कर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। थोड़ा आगे जाकर उसे रास्ता दिखाई दिया। वो स्टेशन से बाहर निकला। उसने देखा बाहर 3-4 छोटी छोटी दुकानें थीं जो फिलहाल बंद थीं। उसने मन में सोचा, शायद इस जगह में दुकानें ज्यादा देर तक खुला रहता नहीं होगा। हाँ, वैसे भी इस पिछड़े जगह पर इतने लोग आते जाते भी कहाँ होंगे। फिर वो चलने लगा। पूरा इलाका मानो जंगल से घिरा हुआ था। जहाँ देखो वहाँ भयानक अंधेरा और जंगल। तभी उसकी नजर एक घोड़ा गाड़ी पर पड़ी। वो आगे बढ़ा और घोड़ा गाड़ी के पास पहुंच गया। अंदर एक आदमी सो रहा था। मुकेश ने उसे हिलाकर जगाया। सुनो भाई, उठो जरा। वो डर के मारे चिल्ला उठा। वो डर कर उठते हुए बोला, कौन है कौन है? मुकेश ने कहा, अरे भाई डरो मत, मुझे टेहरी फैक्ट्री जाना है। क्या तुम मुझे अभी टेहरी फैक्ट्री लेकर चलोगे? वो उठा और ध्यान से मुकेश को देखकर बोला, अरे साहब आप इतनी रात को यहाँ क्यों आ गए? इस वक्त कौन जाएगा टेहरी फैक्ट्री? मुकेश ने कहा, मैं उस फैक्ट्री का नया मैनेजर हूँ। कल सुबह मुझे फैक्ट्री में हाजिर होना होगा और वैसे भी रात काफ़ी हो गया है और मैं थक भी काफ़ी गया हूँ। क्या तुम प्लीज़ मुझे अभी वहाँ ले चलोगे? उसने कहा, साहब आसपास देखिए, कोई और आपको दिख रहा है? आप सुबह वाली गाड़ी से आ जाते तो कई सवारियाँ आपको मिल जाता उस ओर जाने के लिए। अभी आपको अकेले वहाँ तक जाना पड़ेगा। मुकेश ने कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, यह घोड़ा गाड़ी ही मेरा घर है। मैं इसे दिन में चलाता हूँ और रात को इसी में सो जाता हूँ। अब आप भी यहीं कहीं सो जाओ, सुबह आपको ले चलूँगा। फालतू में मुझे अपनी नींद नहीं बिगाड़नी। मुकेश ने पूछा, देखो तुम यह बताओ कि तुम सवारी का लेते कितना हो? उसने कहा, देखिए साहब, फैक्ट्री काफ़ी दूर है, करीब 1 घंटा लगेगा, और सवारी का मैं लेता हूँ 100 रुपया। किंतु मैं आपको सुबह ही ले चलूँगा, अब माफ़ कीजिए और मुझे सुनने दीजिए। मुकेश ने सोचा, सुबह तक यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकता। रात भी गहरी हो गई है और थका होने के वजह से नींद भी खूब आ रही है, और फिर इस जगह पर एडजस्ट करना भी काफ़ी मुश्किल है। रात मेरा भले ही अच्छा जाए या ना जाए, किंतु मच्छरों का तो अच्छा जाएगा ही। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। फिर मुकेश ने कहा, देखो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा अगर अभी चलोगे तो। उसने कहा, नहीं हम तो सुबह ही ले चलेंगे, रात को मैं कहीं नहीं जाता। मुकेश ने फिर कुछ सोचा और कहा, देखो अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा अगर मुझे अभी ले चले, वरना सुबह तुम्हें 100 रुपये ही दूंगा। उसने सोचा, अगर इनको अभी ले चलूंगा तो दिगुना फायदा होगा। 2 दिन तक सवारी भी ना मिले तो भी आराम से कट जाएगा। उसने कहा, ठीक है चलिए। मुकेश घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और फिर वो दोनों फैक्ट्री के तरफ रवाना हुए। भयानक जंगल को चीरते हुए रास्ता जा रहा था फैक्ट्री की ओर। चारों तरफ सुनसान काली रात, बीच बीच में उल्लू और चमगादारों की आवाज माहौल को डरावना बना रहा था। रात के खामोशी को तोड़ते हुए मुकेश कहता है, यहाँ तो घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं,
सिर्फ सुनसान सड़क और जंगल के अलावा। गाड़ी वाले ने कहा, साहब यह तहरी है, यहाँ छोटे छोटे कई गांव हैं और हर एक गांव एक दूसरे से काफी दूर है। आपकी फैक्ट्री भी कंठहार गांव के पास बनी हुई है। इस क्षेत्र में केवल वही एक बड़ी फैक्ट्री है। फिर कुछ देर दोनों शांत रहे। हल्की चांद की रोशनी में घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। गाड़ी वाले ने अचानक से गाड़ी को रोक दिया। उसने देखा एक अजीब सा पंछी उसके सामने से उड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। दोनों के धड़कने तेज हो गए। उस पंछी की भयानक चमकती लाल आंखें उन दोनों को भयभीत कर गईं। एक पल के लिए उन दोनों के आत्मा को अंदर से झकझोर कर रख दिया। मुकेश ने खुद को संभालते हुए कहा, अजीब सा पक्षी था, तुम डरो मत, आगे बढ़ो। गाड़ी वाले ने घोड़ा गाड़ी कुछ दूर तक आगे बढ़ाया ही था कि फिर से वही अजीब दिखने वाला भयानक सा पक्षी खतरनाक आवाज में चीखते हुए फिर से उनके सामने से गुजरा। वापस घोड़ा गाड़ी रुक गई। दोनों फिर से सहम गए। मुकेश फिर से बोला, शायद कोई जंगली पक्षी है, शिकार की खोज में होगा। उसने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई। भयानक जंगलों से होकर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक फिर से उसने घोड़ा गाड़ी रोक दिया। उसने देखा सामने रास्ता बंद था। बड़े बड़े काले कांटों से भरे गोल गोल झुंड रखे हुए थे जो कि चारों तरफ फैले हुए थे। उसने कहा, अरे यह कांटों का झुंड यहाँ कहाँ से आ गए? कल ही तो यहाँ से गया था, फिर आज अचानक यह कैसे आ गए? मुकेश ने कहा, चलो नीचे उतर कर देखते हैं, आखिर माजरा है क्या। दोनों नीचे उतरे और उन कांटों के पास पहुंच कर देखा। दोनों अचंभित थे। यह बड़े बड़े काले कांटे थे, इतने सख्त कि टूट भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर दोनों उन कांटों को निहारते रहे, तभी अचानक उन कांटों के झुंड में हलचल होने लगी। दोनों के दिल जोरों से धड़कने लगा। डर और पसीने से दोनों लटपट हो गए थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी धड़कन राजधानी से भी तेज गति से चलने लगी। देखते ही देखते वो सारे कांटों के झुंड खड़े होने लगे, किंतु इस बात वे सिर्फ कांटे ही नहीं थे बल्कि कांटों के साथ लगे हुए सैतान भी थे। नीली चमकती आंखें, बदन पूरा काले कांटों से घिरा हुआ, चेहरा भी बहुत ही भयानक कांटों से घिरा हुआ, खून की लपटें बह रही थी। कुल मिलाकर इतना भयानक नजारा था कि दोनों के दिल बाहर निकलने को हो रहे थे। डर के मारे दोनों की हालत खराब हुई पड़ी थी। वो करीब 25 सैतान अजीब चिल्लाहट और मौत का पैगाम लेकर आए थे। उनको देखते ही दोनों मानो अधमरे हो गए थे। तभी सारे के सारे शैतान इकट्ठे उन दोनों पर टूट पड़े। दोनों को अपने नुकीले कांटों से छिल छिल कर उनका खून पीने लगे। उनके अंगों का एक एक मांस उन्होंने नोच डाले। उन दोनों की चीखें सुनने वाला भी वहां दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर में ही उन दोनों की चीखें सन्नाटों में घुट कर हमेशा हमेशा के लिए खामोशी की चादर ओढ़ लिया। यह सारा नजारा वो भयानक पक्षी पेड़ पर बैठ कर देखता रहा। खैर, वो भयानक रात गुजार गई। अगले दिन सुबह 11 बजे यशवंत विला में फोन की रिंग बजती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। फोन यशवंत जी ने उठाया। सामने से जो खबर इनको मिली उससे उनका चेहरा उतर गया। यशवंत जी थोड़े परेशान दिख रहे थे। यशवंत जी के असिस्टेंट रत्नाकर ने उन्हें परेशान देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ साहब? यशवंत जी थोड़े निराशा से जवाब देते हुए कहते हैं, एक और मौत हो गई है। रत्नाकर फिर पूछता है, मौत हो गई? किंतु किसकी साहब? ऐसा कौन मर गया कि आप इतनी परेशानी में आ गए? यशवंत जी कहते हैं, वो जो हमारे नए मैनेजर आने वाले थे, उनका मौत हो गया है कल रात। यह सुनकर रत्नाकर भी थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद रत्नाकर अपनी खामोशी तोड़ता है और यशवंत जी से पूछता है,
तो साहब अब किसे भेजेंगे इन सब का पता करने के लिए? यशवंत जी थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहते हैं, मुझे पता है अब किसे भेजना है। तो अब किसे भेजेंगे यशवंत जी इन मौत के रहस्यों का पता करने के लिए? क्या वो इंसान पता लगा पाएगा इन मौतों के पीछे के असली वजह को, या फिर उसकी भी जिंदगी का अंत इन शैतानों के हाथों से ही होगा? सवाल कई है, किंतु क्या सुलझ पाएगी पहेली या और भी उलझ जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल कॉस्मिक कॉमिक्स के साथ।